आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2+3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2NH3 बन रहा है, इज के। तो इस रिएक्शन के लिए साम्यावस्था नियतांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है। देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम 2NH3 से N2+3H2 इज। तो कहने का मतलब है कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा ये हमको बताना। तो अगर इन दोनों रिएक्शन को हम गौर से देखें तो इस रिएक्शन की ये उल्टी रिएक्शन है। इसमें देखिए NH3 प्रोडक्ट है, इसमें NH3 रिएक्टेंट है, यानी इसमें उत्पाद है, इसमें अभिकर्मक है। तो इस रिएक्शन की ये उल्टा है। तो अगर इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है तो इस रिएक्शन के लिए इसका उल्टा यानी 1/K होगा। बस इतनी सी बात। तो गेरा का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए गेरा का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन विल बी 1/K। चूंकि पहली वाली की दूसरी रिएक्शन रिवर्स है, पहली वाली की उल्टा कर दी गई तो दूसरी रिएक्शन है तो रिवर्स है, इसलिए अगर पहले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है तो दूसरी का 1/K हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो गेरा का सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए K1 एंड K2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो इस पहली और दूसरी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और K2 है। तो इसको दोनों रिएक्शन को हमें ध्यान से देखना है और समझ करके आंसर देना है कि इन दोनों रिएक्शन में K1 और K2 में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए जो ये इस रिएक्शन के लिए K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके लिए K2 है। तो देखिए सबसे पहले तो इस रिएक्शन का ये उल्टा है, इस रिएक्शन का उल्टा है क्योंकि इसमें यानो प्रोडक्ट है, इसमें यानो रिएक्टेंट है और आधा भी है क्योंकि यहां पर 2NO है, यहां पर यानो है। तो पहली बात तो ये दूसरी रिएक्शन पहले की उल्टा है, तो K1 को 1/K1 कर सकते हैं और इसमें 2 का अगर भाग दे दें या 1/2 का गुणा करें तब ये रिएक्शन प्राप्त होगी। तो पहले उल्टा करें फिर 1/2 का गुणा करें यानी अंडर रूट लग जाएगा। 1/2 यहाँ पर लिखें या अंडर रूट एक ही बात। तो K2 = हो जाएगा 1/√K1, इस प्रकार लिख सकते हैं, या K1 √1/K2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नहीं देखिए K2 = 1/√K1 है तो K1 = K1/K2 का ये स्क्वायर करना पड़ेगा, ये रूट नहीं रहेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि ये रूट में है तो रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर होगा। इसको ध्यान दीजिए तो ये ए वाला करेक्ट हो जाएगा, K1 = 1/K2 का स्क्वायर। अब इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 12 का सॉल्यूशन K2 √1/K1 या यहां पर रूट लिखते एक ही बात थी, या K1 = 1/K2 का स्क्वायर, यहां बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन होमोजिनस इक्विलिब्रियम से है, समांग साम्यावस्था।
तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द रिएक्शन टू ए गैस है प्लस बी गैस है, रिवर्सिबल का साइन, थ्री सी गैस बनी और डी भी गैस बना। इज विगन विद द कंसेंट्रेशन ऑफ वन ए एंड बी बोथ एट एन इनिशियल वैल्यू ऑफ वन मोलर। मतलब जब रिएक्शन साम्य अवस्था में नहीं पहुंची, इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंची, तो इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक अवस्था ए और बी की वन मोल है 1 लीटर में, क्योंकि मोलर का मतलब होता है मोल प्रति लीटर। तो ये वन मोलर कहें या 1 मोल प्रति लीटर कहें, एक ही बात है। तो कहने का मतलब अगर ये पूरे का आयतन 1 लीटर हो, तो 1 लीटर में ए का और बी का दोनों का प्रारंभ में 1 मोल लिया गया है, ये कह सकते हैं। कह रहा है इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब इक्विलिब्रियम प्राप्त हो गया, द कंसेंट्रेशन ऑफ डी इज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी 0.25 मोलर। जब साम्यावस्था प्राप्त हो गई, उस समय डी की सांद्रता 0.25 मोलर है, या यूं कहें 1 लीटर में 0.25 मोल है डी के साम्यावस्था जब प्राप्त हो गई तब। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो किस एक्सप्रेशन द्वारा, ए बी सी डी चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं और समझाने का आपको प्रयास करते हैं। तो यहां पर देखिए, हमने सबसे पहले रिएक्शन लिख दिया, टू ए गैस प्लस बी गैस। यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर इक्विलिब्रियम का साइन होना चाहिए, अरे वो रिवर्सिबल रिएक्शन का। इस प्रकार से इससे थ्री सी प्लस डी ये गैस है सारे। हिम होमोजिनस का मतलब यह है कि सारी अवस्थाएं एक ही हो, समांग हो। अगर ये गैस है तो ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। होमोजिनस इक्विलिब्रियम के अंतर्गत क्वेश्चन कर रहे हैं, तो होमोजिनस का मतलब भी समझिए। अब देखिए प्रारंभ में हमसे क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी के वन वन मोल हैं, तो वन वन मोल कर दिया प्रति लीटर में, ध्यान दीजिए, क्योंकि वन मोलर कहा है। कैपिटल एम का मतलब मोलर, मोलर का मतलब मोलरिटी, मोलरिटी का मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वन मोल प्रेजेंट है। तो यहां पर देखिए इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जब साम्यावस्था प्राप्त नहीं हुई, प्रारंभ में ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो ये 0 0 रहेगा, क्योंकि जब रिएक्शन हुई ही नहीं प्रारंभ में, तो ये 0 0 रहेंगे, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। इसके बाद जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई, तो इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन में कह रहा है डी का 0.25 मोलर प्राप्त हुआ, यानी 0.25 मोल प्रति लीटर में उपस्थित है। तो जाहिर सी बात है कि इसके 0.25 मोल है प्रति लीटर में, तो सी के कितने होंगे, 3 × 0.25, 3 गुना होगा, क्योंकि 3 का पहले मल्टीप्लाई है, तो जो डी का है उसी में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो सी के मोलर मोलरिटी निकल आएगी या मोल निकल आएंगे। अब बी का कितना होगा, जब ये डी का 0.25 बन गया, तो इधर कितना बचेगा, 1 में से 0.25 घटा दीजिए, तो इतना बचेगा। अब ए कितना बचेगा, तो ए का 2 मोल है, तो जाहिर सी बात है कि जितना ए है इसका 2 गुना घटाना है, तो 2 × 0.25 कर दिए, 1 में से घटाना है, क्योंकि प्रारंभ में 1 मोलर। तो ये कितना बचा, 0.5 बचेगा ये वाला। ये कितना होगा, 1 में 0.25 जाएगा, 0.75 बचेगा। ये कितना होगा, 3 का गुणा होगा 0.25 में, तो 0.75 होगा। डी कितना है, 0.25, ये क्वेश्चन में हमको दिया है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू होती है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, और जो पहले मल्टीप्लाई होता है यानी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशियंट होता है, उसको पावर में लिखते हैं। तो सी के पावर में 3 हो जाएगा, इधर नीचे ए के पावर में 2 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे कि
क्या खेल होता है। अब इसको यही वैल्यू उठा करके ये वाली इसमें रख देना है जो ए बी सी डी की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 0.5 है, सी की लिखना है तो सी की 0.75 है, 0.75 क्यूब है तो क्यूब कर दिया, डी की 0.25 है वैसे लिख दिया, बी की 0.75 है तो 0.75, ए की 0.5 है और 2 का गुणा है तो जो गुणा होता है वो पावर में जाता है, पावर कर दिया, यही गुणांक हमको प्राप्त होगा। तो 13 का बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13 का बी विकल्प ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ ए गैस ए बी टू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो ए बी टू गैस टूट करके कैसे क्या बना रही है इसको इस रिएक्शन में रिप्रेजेंट किया गया है यानी दर्शाया गया है। तो 2AB2 टूटती है गैस तो 2AB गैस बनती है प्लस B2 गैस बनती है, इस प्रकार से रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन है यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कह रहा है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज एक्स एंड इज स्मॉल कंपेयर्ड टू 1। कह रहा है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कितनी है यानी जिसको हम अल्फा लिखते थे वो बहुत कम है कंपेयर्ड टू 1, 1 की तुलना में बहुत कम है, स्मॉल कंपेयर्ड टू 1, 1 की तुलना में बहुत छोटी है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यहाँ पर एक्स लिख रहा है, डिसोसिएशन का मतलब टूटना, टूटने का प्रतिशत बहुत कम है। कह रहा है द एक्सप्रेशन रिलेशन रिलेटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी एंड टोटल प्रेशर पी इज, तो कह रहा है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और टोटल प्रेशर है और के पी है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर जितना है, इन सब में क्या आपस में रिलेशन है ये हमको बताना है। तो इसको देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे रिएक्शन लिखा गया वैसे हम लिख देंगे, ये इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल साइन होना चाहिए, फिर थोड़ा सा गड़बड़ी किया है, ये साइन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टूटने की प्रतिशतता है वो बहुत कम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को एक्स माना था बी टू के और वो बहुत कम है एक की तुलना में। तो यहां पर देखिए प्रारंभ में 2AB2 है तो इसके 2 मोल लिए गए हैं, ये यहां पर वैसे साइन लगाइए, थोड़ा सा इसको देखते हैं, यहां पर देखिए ये लिया गया है 2AB2 से 2AB और B2 बन रहा है, तो यहां पर KP हमको निकालना है तो पहले इक्विलिब्रियम में इनके प्रेशर प्राप्त होना चाहिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। इन बातों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझना जरूरी है। तो यहां पर देखिए ये 2AB2 है तो इसके हमने 2 मोल लिए प्रारंभ में और यहां पर 2AB2 प्लस B2 बन रहा है, तो प्रारंभ में इनिशियली मतलब प्रारंभ में, तो प्रारंभ में AB2 ही है ये नहीं बना क्योंकि प्रारंभ में तो रिएक्शन हुई नहीं, तो ये 0-0 है। अब जब रिएक्शन हो गई तो B2 का एक्स लेना है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि B2 का एक्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी टूट करके इस रिएक्शन से एक्स बना B2, तो AB कितना बनेगा 2x बनेगा क्योंकि 2 है तो 2 का गुणा हो जाएगा एक्स में। अब ये बचेगा कितना तो बचेगा 2, 1 माइनस ए कर दिया है यहां पर ब्रैकेट में 2, 1 माइनस ए। तो इस प्रकार से हमको यहां पर लिखना है और लिख करके फिर फार्मूले में इन्हीं चीजों को पुट अप करना है।
अब यहाँ पर देखिए ये ए गलत लिखा है, यक्स होना चाहिए क्योंकि जब इधर यक्स माना है तो ये भी यक्स होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, इनको सही कर लीजिए, ये यक्स होगा क्योंकि दो गुना करना है और अगर वन होता तो वन माइनस एक्स होता, दो मोल है तो 2 वन माइनस एक्स होगा। ये लिखने की कला समझिए, यहाँ लिखने में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान देना है कि लिखना कैसे, इस बात को समझना है। अब अमाउंट ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, तो साम्यावस्था की स्थिति में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में टोटल कितने मोल होंगे ये समझना है। तो देखिए 2 वन माइनस एक्स इसके होंगे इक्विलिब्रियम में, तो 2 वन माइनस एक्स प्लस ए बी के 2x हैं, तो 2x प्लस बी टू के x हैं, तो x ये जोड़ा गया तो आ गया 2 प्लस एक्स, इसको जोड़ेंगे तो 2 प्लस एक्स आ जाएगा। अब फार्मूला लगा देंगे तो के पी इक्वल टू होता है, अब चूंकि गैस है तो गैस का प्रेशर होता है, ऊपर वाले रिएक्शन में भी गैस था लेकिन उसमें कंसंट्रेशन हमने लिया था क्योंकि कंसंट्रेशन दिया था। अब इसमें केपी की बात हो रही तो चूंकि पी निकाला, अगर केसी निकालना होता तो कंसंट्रेशन लेते, पी निकालना है तो प्रेशर लेंगे। तो प्रोडक्ट के प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट के प्रेशर, और जो पहले गुणा होगा वो पावर में चला जाएगा। तो पी ए बी टू यानी पी का ए बी का पार्शियल प्रेशर, इसका पावर में 2 होगा क्योंकि 2 का गुणा है, ये पी बी टू हो जाएगा अपन पी ए बी हो जाएगा, और पावर में 2 है तो 2 का पावर कर देंगे क्योंकि 2 का यहाँ गुणा है। अब सारी वैल्यू उठा करके यहाँ से हमको रख देना है, तब इसको देखते हैं। तो सारी वैल्यू उठा के रखा, पी ए बी कितना है, पी ए बी हमारा 2x है, तो यहाँ पर देखिए 2x कर दिया। और पार्शियल प्रेशर लिखते समय हमने आपको बताया था कि जिसका निकालना है उसका बटे टोटल गुणे पी कर देना है। तो यहाँ पर देखिए पी ए बी का 2x है, तो 2x अपान टोटल हमने इतना निकाला है तो टोटल गुणे पी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार पी बी टू का, तो बी टू का x हमने क्वेश्चन में दिया था तो यक्स अपान मतलब पी बी टू का अपान टोटल, तो टोटल 2 प्लस एक्स है और पी का गुणा कर देना अपान। अब पी ए बी का कितना है, तो पी ए बी का 2 वन माइनस एक्स, ये ए नहीं एक्स है, तो 2 वन माइनस एक्स अपान टोटल, टोटल 2 प्लस एक्स है तो 2 प्लस एक्स कर दिया इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या जितना वही एटमॉस्फेरिक मानिए, तो ये पी हो जाएगा, गुणा पी कर देना। और 2 ए बी था तो पावर में 2 कर दिए यहाँ। अब इसको सॉल्व किया हमने इस पूरे को, तो सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया ये सब, यहाँ पर ये सॉल्व किया तो ये आ गया के पी इक्वल टू 4x³ इंटू पी अपान, ये 2 आ गया यहाँ पर, इंटू 1/4 हो गया। तो ये सॉल्व करने के बाद इसको, ये जो अंदर ब्रैकेट में, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के सॉल्व करिएगा, तो ये आ गया के पी इक्वल टू 4x³ अप इंटू पी अपान 2 इंटू 1/4। आप देखिए हमने ऊपर क्वेश्चन में बताया है कि यक्स बहुत स्मॉल है ए की तुलना में, तो ए की तुलना में बहुत कम है, इसका मतलब लगभग 1 के बराबर ही, 1 की तुलना में बहुत कम है, लगभग 1 के बराबर है, इसलिए 1 माइनस एक्स लगभग 1 हो जाएगा और 2 प्लस एक्स लगभग 2 हो जाएगा, क्योंकि इतना कम है कि 2 में जुड़ेगा तो लगभग 2 के बराबर रहेगा, और ये इतना कम है कि 1 में घटेगा तो लगभग 1 के बराबर। अब इसको जब सॉल्व किए तो आप देखिए ये के पी को इधर लाएंगे तो ये यक्स की वैल्यू अगर निकालना होगा तो यक्स बराबर ये पूरा इधर जाएगा, ये मान रखने पर, तो जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 KP अपान 4P, ये 4P ये 2 से 2 कट जाएगा 2 बार, और ये 2 से 2 कटेगा, तो ये आ जाएगा यक्स बराबर 5 KP अपान 4P का
पावर 1/3, ये केपी इधर आ जाएगा, यक्स इधर आएगा, तो ये यक्स में चूंकि क्यूब है इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको और सिंपल करेंगे तो ऊपर ये 5 की पावर 1/3 और नीचे 4 की पावर 1/3 करेंगे तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा यक्स 2 KP/P की पावर 1/3। इसको करके देखिएगा, कैलकुलेशन है करिए। तो ये सब करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 14 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 14 का ये डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कैलकुलेशन अपने हाथ से करिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी मजबूत होना चाहिए, इसलिए हम कैलकुलेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ताकि आप स्वयं करेंगे तो और अच्छा स्पष्टीकरण आएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बता देंगे तो फिर आप लोग मेहनत ही नहीं करेंगे। आप देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ KP1 एंड KP2 फॉर द रिएक्शन एक्स रिवर्सिबल का साइन Y+Z और ए रिवर्सिबल का साइन 2B, ये दो रिएक्शन दी गई है। कह रहा है आर द रेशियो 9:1। तो यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन के जो KP और के इसमें इसके लिए KP1 माना गया है, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है प्रेशर के टर्म में, और यहाँ पर KP2 माना गया, इनका दोनों का रेशियो 9:1 है। KP1 और KP2, KP1 अनुपाते KP2 बराबर 9:1 है। अब कह रहा है कि इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ यक्स एंड ए बी इक्वल, अब यक्स और ए का, इस यक्स और ए का अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी जिसे हम अल्फा लिखते थे वो अगर इक्वल है, तो कह रहा है द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम फर्स्ट एंड सेकेंड आर इन द रेशियो। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रेशियो 1:1 है, 1:1 है, क्योंकि इक्वल कह रहा है, तो कह रहा है टोटल प्रेशर का क्या अनुपात होगा इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था में, और ये चार विकल्प हमको दिए गए हैं, इन्हीं में से बताना है। तो देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए दोनों रिएक्शन लिख ली गई हैं। यहाँ पर यक्स इक्विलिब्रियम का साइन Y+Z, ये पहले रिएक्शन है, और ए इक्विलिब्रियम का साइन 2B, ये दूसरी रिएक्शन। यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन होगा जैसे ऊपर लिखते हैं वैसे यहाँ भी बना लीजिएगा, ये गलती से लिख गया है। आप देखें यहाँ पर यक्स इक्विलिब्रियम का साइन Y+Z, इसके लिए अगर हम लिखें तो देखिए इनिशियली चूंकि ये 1 मोल है तो 1 ले लिया गया। अब इनिशियली मतलब प्रारंभ में तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, प्रारंभ में तो 0-0 रहेगा। अब एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में जेड एल्फा बनेगा, वाई एल्फा, डिसोसिएशन जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो एल्फा होता है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में यक्स मान लिया तो क्वेश्चन में यक्स दिया था, हमने यक्स ही माना है, यक्स मान के निकालेंगे। यहाँ पर देखिए जब ये एल्फा हो जाएगा, ये भी एल्फा, तो ये कितना होगा, पहले 1 था और टूट गया एल्फा एल्फा, तो बचा कितना 1 - एल्फा, क्योंकि ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। कैसे लिखते हैं 50 बार ये बात बताई जा चुकी। टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, तो 1 - एल्फा + एल्फा + एल्फा, तो 2 एल्फा है। ये देखिए गलती से ये लिखा है, एल्फा होना चाहिए, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2a में ए घटेगा तो 1 + एल्फा आ जाएगा। अब देखिए सिमिलरली कह रहा है, इसी प्रकार हम इस रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए जब लिखेंगे तो ए इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल का साइन 2b, प्रारंभ में 1 है ये 0 रहेगा, इक्विलिब्रियम में 2 मोल है तो 2 एल्फा हो जाएगा, ये बचेगा कितना, इक्विलिब्रियम में 1 है टूट के 2 एल्फा बना चूंकि 2 मोल है, और ये 1 मोल है तो बचेगा कितना, 1 - एल्फा। यहाँ 2 एल्फा नहीं घटाएंगे कि 2 एल्फा बन गया तो 2 एल्फा घटाएंगे उतना बचेगा, नहीं, यहाँ 2 मोल है इसलिए 2 का गुणा है, यहाँ 1 मोल है इसलिए एल्फा में 1 का गुणा है, इस तरह समझिए। अब टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम
निकाल लीजिए, तो इनको जोड़ दीजिए तो 1 प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो ये भी आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम पर। आप देखिए यहाँ पर अब फार्मूला लगा देंगे तो के पी वन बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये रिएक्शन है तो प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट होता है, यानी के पी वाई प्लस के पी जेड अपान के पी एक्स। तो यहाँ पर देखिए वैसे करते हैं तो के पी वन बराबर के पी वाई प्लस के पी जेड, अरे वो पी वाई इंटू पी जेड मतलब पार्शियल प्रेशर अपान पी एक्स हो जाएगा, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जिसका निकालना है उसका आप ऊपर बटे टोटल गुणे जो प्रेशर दिया गया है, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है अपान इसका, अपान टोटल करेंगे तो 1 प्लस अल्फा इंटू पी वन इंटू पी जेड के लिए अल्फा अपान टोटल 1 प्लस अल्फा इंटू पी वन अपान पी एक्स के लिए 1 माइनस अल्फा बचा था इक्विलिब्रियम पर अपान टोटल 1 प्लस अल्फा इंटू पी वन। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर पी वन अपान 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये नीचे आ जाएगा कॉमन लेके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो के पी टू हो जाएगा, अब देखिए के पी टू, के पी वन निकाला हमने इस रिएक्शन के लिए, ये वाली ये जो है, अब इसके लिए निकालना है तो के पी टू बराबर पी बी बना है और टू पी बी, टू बी बना था तो दो का गुणा था तो स्क्वायर में जाएगा पार्शियल प्रेशर में अपान पी ए, ये प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। अब देखिए पी बी जितना बना है बटे टोटल, जितना मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा अपान टोटल इक्विलिब्रियम पर, तो इक्विलिब्रियम पर कितना है, 2 अल्फा है प्रोडक्ट अपॉन टोटल कितना है 1 प्लस अल्फा, तो 2 अल्फा और 2 बी था तो स्क्वायर कर दिया अपॉन 1 प्लस अल्फा पी टू हो गया ये 2 अल्फा अपॉन टोटल 1 प्लस अल्फा इंटू पी टू, इसका प्रेशर पी टू था अपॉन पी ए कितना बचा था 1 माइनस अल्फा इक्विलिब्रियम पर अपॉन टोटल 1 प्लस अल्फा इंटू पी वन। ये देखे फिर गलत लिखा है, पी वन नहीं पी टू होना चाहिए, ये गलती से छप गया होगा पी टू। अब ये स्क्वायर होगा तो ये पी टू एक कट जाएगा तो एक ही पी टू बचेगा और टू एल्फा का स्क्वायर हो जाएगा अपान, ये नीचे आएगा तो 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा बचेगा, एक अल्फा कट जाएगा एक स्क्वायर में एक बचेगा तो 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा। अब इसको सॉल्व किया इतना आ गया, अब नाउ के पी वन अपान के पी टू का रेशियो हमको पता करना है, तो ये हो जाएगा जब के पी वन अपान के पी टू, ये के पी वन है इतना आया है और ये के पी टू है इतना आया है, इनको आपस में बटा करेंगे तो ये आ जाएगा के पी वन अपान के पी टू, जब सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, इसका ये वाला कट जाएगा तो ये ऊपर एल्फा स्क्वायर पी वन अपान टू एल्फा स्क्वायर पी टू बचेगा, तो पी वन अपान पी टू एल्फा एल्फा कट जाएगा तो स्क्वायर का फोर बचेगा नीचे, तो ये पी वन अपान फोर पी टू बचेगा। इसको लिख सकते हैं के पी वन अपान के पी टू इक्वल टू 9/1, क्योंकि के पी वन और के पी टू का रेशियो 9:1 हमको क्वेश्चन में दिया है, बराबर ये हो जाएगा पी वन अपान फोर पी टू, यानी पी वन अपान पी टू ये इधर आ जाएगा तो 36/1, यानी पी वन अपान पी टू का रेशियो कितना हो जाएगा 36:1। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है, इसको देखते हैं। 16 में हेट्रोजिनस इक्विलिब्रियम है यानी विषांग साम्यावस्था, इसमें जो एलिमेंट रहेंगे या यौगिक रहेंगे उनकी अवस्थाएं सारी लिक्विड गैस में अलग अलग रहेंगी, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यहीं तक।